Hello friends, myself CA Pratiksha Jain. Firstly, I would like to thank Coppergate Educare for giving me the opportunity to reach to you all friends on an all over India basis. Secondly, a very big congratulations to you all friends for clearing the first level of CA course, that is CA Foundation. Myself is a visiting faculty in many classes. I teach to CA, CS, CMA students. I also teach to ACCA students. The subjects which I take at inter level is accounting, advanced accounting, costing and financial management. And at final level, I teach financial reporting, strategic financial management, advanced management accounting and operation research management. You all will be studying CA inter paper 5, that is advanced accounting, with me. So, what will be the strategy to study this subject? कैसे पढ़ोगे ये subject? So, first step is मेरे theory के सारे video lectures अच्छे से देखना, क्योंकि theory के video lectures में concepts clear होंगे तुम्हारे, concepts पे grip होगा, तुम्हें पता चलेगा entries कैसे form हुई, entries की posting कैसे की है, accounts का nature क्या है, steps क्या है, क्योंकि एक बार concepts पे grip आ गया ना friends, तो फिर sums solve करना easy हो जाता है, no matter institute कैसे भी sums पूछे, चाहे वो tricky हो, hard हो, तुम्हारे लिए वो easy होंगे, अगर तुम्हारा concepts पे grip है तो. So, videos को अच्छे से देखो, theory videos को, फिर concepts को read करो अच्छे से एक बार book में खुद से, और फिर तुम practical sums की और आगे बढ़ो. पेपर 5 एडवांस्ड अकाउंटिंग का इंडेक्स देखते हैं, तुम्हें इन ऑल 10 चैप्टर्स है. 10 चैप्टर्स में से फर्स्ट चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. फ्रेंड्स, ये चैप्टर ऑन एन एवरेज एग्जाम में 20 मार्क्स के लिए होता है. अब तुम बोलोगे कि मैम, सीए इंटर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े और सीए फाइनल में तो हमें इंडेक्स पढ़ना है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ के क्या मतलब? बट नो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस है. अगर तुम्हारा बेस क्लियर होगा तो सीए फाइनल इजी होगा तुम्हारे लिए स्टडीज के लिए, क्योंकि बेस स्ट्रांग होना कोई भी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट होता है. सो अगर तुम्हें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अच्छे से आता है, ग्रिप है, तो तुम्हारे लिए इंडेक्स इजी होगा टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. सेकेंडली, सेकेंड चैप्टर इज पार्टनरशिप अकाउंट. पार्टनरशिप अकाउंट क्वेश्चन नंबर पहले पेपर 1 में था, अब ये पेपर 5 में आ गया है, तो वो पेपर 1 से शिफ्ट होके पेपर 5 में आ गया है. अब पार्टनरशिप अकाउंट वापिस 4 कॉन्सेप्ट में डिवाइडेड है. डिसोल्यूशन, सेकेंड इज पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड इज अमालगमेशन ऑफ फॉर्म्स, एंड फोर्थ इज कन्वर्जन. सो ये एक चैप्टर दिखेगा पार्टनरशिप, बट ये 4 कॉन्सेप्ट में डिवाइडेड है. थर्ड इज अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान. फोर्थ इज बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज एंड इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट. यहाँ पे तुम अकाउंटिंग सीखोगे बायबैक की. फाइनल में तुम लॉ के सब्जेक्ट में इसकी लीगल ट्रीटमेंट देखोगे कि कब बायबैक कर सकते हो, कितना परसेंटेज कर सकते हो, सो ऑन. सो तुम ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इंटर लेवल पे सीखोगे. इसकी लीगैलिटीज तुम सीखोगे लॉ में एट द फाइनल लेवल. नेक्स्ट इज अमालगमेशन ऑफ कंपनीज. जब कंपनीज अमालगमेट होती है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है एंड ऑल सीखेंगे फिफ्थ चैप्टर में. सिक्स्थ इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. सेवेंथ इज लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज. एथ इज फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज. नाइन्थ इज नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज. एंड टेंथ इज कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट. पहले तो फ्रेंड्स, तुम्हारे माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि पेपर 1, दैट इज अकाउंटिंग, एंड पेपर 5, एडवांस अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस क्या है. तो पेपर 1, दैट इज अकाउंटिंग, एक जर्नलाइज टर्म्स पे बात करता है अकाउंटिंग की, और पेपर 5, दैट इज एडवांस्ड अकाउंटिंग, यहाँ पे एडवांस लेवल की अकाउंटिंग होती है. मतलब यहाँ पे स्पेसिफिक एंटिटीज के बारे में अकाउंटिंग सिखाया जाएगा. लाइक बैंकिंग कंपनीज एक स्पेसिफिक एंटिटी है,
तो बैंकिंग कंपनी को कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है, उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनेगा, उसका बैलेंस शीट कैसे बनेगा। सेम अगर अमालगमेशन हो रहा है कंपनीज का तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। ये सब स्पेसिफिक एंटिटीज के बारे में बात की है एडवांस अकाउंटिंग में। पार्टनरशिप अकाउंट एक स्पेसिफिक एंटिटी है, उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे बनेगी, वो सब इधर बात होगी पेपर फाइव में। अब ये 10 चैप्टर्स में से अगर तुम पूछो कि इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, अब इम्पोर्टेंट बोले तो एग्जाम में हर अटेम्प्ट में ऑन एन एवरेज ये सम्स ये चैप्टर्स 12 to 20 marks के रेंज में फॉल होते हैं। तो वो चैप्टर्स है पार्टनरशिप अकाउंट्स, अमालगमेशन ऑफ कंपनीज, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट इज चैप्टर वन। तो एग्जाम में ऑन एन एवरेज 20 marks के लिए आता ही आता है। एंड चैप्टर 2, चैप्टर 5, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 10 ये 12 to 20 marks के क्वेश्चन में रेंज होते हैं। सो अगर तुम पूछो ये चार चैप्टर्स का वेटेज कितना है, तो ऑन एन एवरेज ये चार चैप्टर्स का वेटेज होता है 40 marks। आई एम सेइंग ऑन एन एवरेज, फिक्स फिगर नहीं बता रही हूँ। फिर तुम्हारा पेपर है टोटल 100 marks का, उसमें से 20 marks आएगा चैप्टर 1 में से, 4 important chapters में से 40 marks का। सो आउट ऑफ 100 तुम्हारा 60 marks 5 chapters ही कवर कर लेता है, बच्चा 40 marks तुम्हारा 5 chapters कवर करेगा। सो आई विल सजेस्ट यू पहले तुम ये 5 chapters अच्छे से कर लो, सो तुम्हारा 60 marks इन हैंड हो जाएगा, बचा 5 chapters तुम 40 marks में फॉल होगा। सो पहले इम्पोर्टेंट चैप्टर्स अच्छे से कर लो सो दैट तुम 60 marks स्कोर कर पाओ, वैसा हो जाएगा आउट ऑफ 100। अब इंडेक्स देख लिया, एक सजेस्ट करूंगी फ्रेंड्स, कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करो टाइम टेबल बनाने की हैबिट डालो, बिकॉज टाइम टेबल होगा तो तुम्हारा सिस्टमैटिक स्टडीज होगा, तुम्हें पता होगा कि हाँ तुम्हारा फर्स्ट स्टडी ये डेट तक कंप्लीट करना है, तुम्हारा सेकेंड स्टडी ये डेट तक कंप्लीट करना है। क्योंकि एक टाइम टेबल होगा तो तुम एक स्टिक रहोगे, तुम्हारा एक प्रॉपर फॉलो होगा स्टडीज का। सेकेंडली एक प्रोवर्ब है, ट्राई एंड ट्राई टिल यू सक्सेस। सो CA कोर्स में आए हो तो बी मोटिवेटेड, बी डिटरमाइंड टू अचीव CA इन एज अ प्रीफिक्स टू योर नेम, क्योंकि एक बार CA हो गए ना तो तुम्हें एक बेस्ट रिकॉग्निशन मिलेगा सोसाइटी में, एक अच्छा रिस्पेक्ट मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा फर्स्ट लेवल क्लियर हो गया है, सेकेंड लेवल में आ गए हो। तो प्रॉपर स्टडीज करो, प्रॉपर टाइम टेबल रखो, कभी भी कुछ भी हेल्प चाहिए अप्रोच टू मी, आई विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू आउट। सो इंडेक्स देख लिया, अब पेपर पैटर्न देखते हैं फॉर बेटर क्लैरिफिकेशन की हाँ पेपर पैटर्न कैसे होता है इंटर लेवल में, कैसे क्वेश्चंस आएंगे एंड एवरीथिंग। पेपर 5 दैट इज एडवांस्ड अकाउंटिंग 100 marks का होता है। अब तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1 होता है पेपर में, फिर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है फ्रेंड्स, वो कंपलसरी तुम्हें अटेम्प्ट करना ही होता है, मतलब ये मैंडेटरी क्वेश्चन है, तुम इसे स्किप नहीं कर सकते हो, तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1 के सामने चॉइस नहीं है, ये कंपलसरी अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 सब डिवाइडेड है ए बी सी एंड डी में, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 सब डिवाइडेड है इनटू 4 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 5 marks का होगा, सो 4 क्वेश्चन इनटू 5 marks इज योर 20 marks। अब जनरली क्वेश्चन नंबर 1 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछा जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। सो अगर तुम्हारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे ग्रिप है, दैट इज योर चैप्टर 1, तो तुम्हारा 20 marks तुम्हारे हैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6 ये 5 क्वेश्चन में से तुम्हें अटेम्प्ट करने होते हैं एनी 4 आउट ऑफ 5।
अब ये फोर क्वेश्चंस होते हैं 20 मार्क्स ईच, सो इट कम्स टू 80 मार्क्स, टोटल इज योर 100 मार्क्स. अब ये जो फोर क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन वापिस सब डिवाइडेड होता है 8 मार्क्स, 4 मार्क्स और 12 मार्क्स, 6 मार्क्स, 12 मार्क्स, 8 मार्क्स ऐसे. कभी कभी इंस्टीट्यूट एक ही क्वेश्चन फुल फ्लेज पूछ लेती है 20 मार्क्स का. सो एक ऐसा ट्रेंड होता है, या तो 3 क्वेश्चन पूछेगी 8, 8, 8 4 मार्क्स का, या तो 12 8 मार्क्स का पूछेगी, या तो सीधा 20 मार्क्स का पूछेगी. अब यूजुअली 20 मार्क्स का क्वेश्चन कौन सा पूछ सकती है, तो अमालगमेशन हो गया, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, पार्टनरशिप अकाउंट्स के सम्स हो गए. अब इंस्टीट्यूट अब ऐसा नहीं है कि कोई भी एक चैप्टर नहीं पूछेगी. अब इंस्टीट्यूट हर एक चैप्टर्स को इम्पोर्टेंट मानती है, हर एक चैप्टर्स में से कुछ ना कुछ पूछ लेती है, चाहे फिर वो 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क के लिए पूछ ले, बट वो पूछती जरूर है. सो आई विल सजेस्ट एक भी चैप्टर स्किप मत करना, एक भी चैप्टर्स को ऑप्शन में मत छोड़ना फ्रेंड्स, क्योंकि एक एक दो दो मार्क की भी वैल्यू होती है एट इंटर लेवल एंड एट सीए कोर्स. सो हर एक चैप्टर्स अच्छे से करना, उसके लिए डे वन से तुम प्रॉपर टाइम टेबल बनाओगे तो तुम्हारा स्टडी सिस्टमैटिक होगा. अब क्वेश्चन नंबर 6 वापिस सब डिवाइडेड है इंटू 5 क्वेश्चंस. यहाँ पे ये 5 क्वेश्चन में से वापिस तुम्हें ऑप्शंस होते हैं एनी 4 आउट ऑफ 5. सो कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है. क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6 के बीच में तुम्हें 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 5. और अगर तुम क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करते हो तो इसमें वापिस तुम्हें चॉइस है एनी 4 आउट ऑफ 5 की. सो ये वापिस 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स ईच का होता है, कम्स टू 20 मार्क्स. सो क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 6 20 मार्क्स का होता है. सो अगर तुम देखो तो तुम्हें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं 20 मार्क्स ईच के. अब जनरली क्वेश्चन नंबर 6 थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट तुम्हें पूछ लेगी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, या तुम्हें पूछ लेगी एक्सप्लेन व्हाट इज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. सो तुम्हें एक्सप्लेन करने आना चाहिए. सो ये यूजुअली थ्योरी बेस्ड होता है. या तो तुम्हें यहाँ पे एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ ले कि कैलकुलेट प्रोविजंस ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स एज पर एनबीएफसी. सो ये ऐसा हो सकता है, तुम्हें 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल सम्स पूछ ले, 4 मार्क्स का तुम्हें थ्योरी पूछ लेगी, या 3 मार्क्स का थ्योरी पूछ ले. सो तुम्हारा थ्योरी भी उतना ही स्ट्रांग होना जरूरी है. थ्योरी स्ट्रांग हो जाएगा फ्रेंड्स अगर तुम थ्योरी के लेक्चर्स अच्छे से देखो, कॉन्सेप्ट्स पे ग्रिप लाओगे. आई विल सजेस्ट तुम मगअप मत करना एंट्रीज को समझना, कैसे एंट्रीज बनी, कैसे पोस्टिंग हो रही है, क्योंकि ग्रिप होगा कॉन्सेप्ट्स पे तो तुम्हारा फाइनल्स में भी इजी होगा चीजें समझने के लिए. सो ये तुम्हारा पेपर पैटर्न था. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर तुम कौन से भी सब्जेक्ट में 60 प्लस मार्क्स लाते हो तो उसे बोलते हैं एग्जेम्पशन लाना. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स.